हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आपके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, एक न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लास सेवेंथ का, वो है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग ने कौन से पॉइंट्स कवर किए थे। उसमें हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है वो हम लोग ने डिटेल में देखा था, नीड फॉर न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हम लोग ने देखा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा था, और फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। वो क्या होता है, मतलब प्लांट्स में फूड का जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन फूड मिनरल्स या फिर वाटर कौन ट्रांसफर करता है, कौन हेल्प करता है, तो दो है उसमें। फर्स्ट है जाइलम एंड सेकेंड है फ्लोएम। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में हेल्प करने के लिए, मतलब फूड मिनरल्स या फिर वाटर प्रोवाइड करने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है वो हेल्प करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं वो। तो फर्स्ट जो है जाइलम, वो क्या करता है, मिनरल्स या फिर वाटर, मिनरल्स एंड वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जाइलम का ये रोल है। एंड सेकेंड है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसके लिए फ्लोएम हेल्प करता है, क्या करता है वो, कंज्यूम भी करता है या फिर स्टोर भी करता है। तो फ्लोएम क्या करता है, वो लीव्स से फूड ट्रांसपोर्ट करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, और क्या करता है वो आइदर कंज्यूम करता है फूड या फिर वो स्टोर करता है अपने पास। तो ये दोनों हो गया जाइलम और फ्लोएम का रोल जो वो प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो अभी क्या होता है, प्लांट्स हैव ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उनका एक सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो मैंने अभी बताया, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। और वहाँ उनके पास सेपरेट, जैसे हम लोग के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, तो प्लांट्स के पास वैसे कोई सिस्टम नहीं होता, उनके पास ये बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही होता है। सो या अभी हम लोग कोई कोई टर्म्स देखेंगे जो ज़रूरी है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में सिलेबस में दिया हुआ है वो हम लोग टर्म्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है उसमें सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या, सिम्बायोसिस मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा जो होता है ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ भी बोल सकते हो, वो एक दूसरे पे डिपेंड होता है टू फुलफिल देयर नीड्स, मतलब लाइक प्रोटेक्शन या फिर फूड के लिए, ये चीज़ों के लिए एक दूसरे पे वो डिपेंड होता है और एक दूसरे के नीड्स वो लोग फुलफिल करते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो वो टू और मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन सपोर्ट, इस चीज़ के लिए वो लोग डिपेंड होते हैं और एक दूसरे की नीड्स फुलफिल करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट्स में भी होता है, तो कोई कोई जो फंगाय होता है वो ग्रो होते हैं अराउंड रूट्स, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसके अराउंड वो ग्रो होते हैं और क्या करते हैं, वो प्लांट्स को सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स। और फंगाय क्या करता है, फंगाय सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू प्लांट्स, ये फंगाय का हेल्प करते हैं। और कोई कोई फंगाय होते हैं, फंगाय और अल्गे वो एक साथ रहते हैं, और फंगाय क्या करता है, उन्हें वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल जैसे मैंने पहले भी बताया, और फिर शेल्टर टू अल्गे, अल्गे को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है फंगाय। तो अल्गे क्या करता है, उसे प्रोवाइड करता है फूड फंगाय के लिए। और लाइकेन है वो एक बेस्ट एग्जांपल है इस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का, और ये हम लोग को सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल देखने को मिला फंगाय और अल्गे का। सो ऐसे प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म देखने वाले दैट इज हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। लाइक मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दो टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो खुद से बनाते हैं, मतलब खुद से फूड बनाते हैं, और हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो ये दो टाइप्स है, अभी हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब क्या वो हम लोग देखने वाले। तो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, क्लोरोफिल उनके पास नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, वो लोग कैसे जिंदा रहते हैं, फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं वो हम लोग देखने वाले। तो हम लोग ने देखा होगा कि एक येलो वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, मैं यहाँ पे फोटो स्टिक करूँगी तो आपको उससे पता चलेगा, येलो वायर लाइक प्लांट होता है वो, ऐसे
जमीन पे हम लोग को ऐसे देखने को मिलता है रूट के आसपास ऐसे, तो वो क्या होता है? वो आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो क्या होता है एक्चुअली? वो प्लांट होता है या क्या होता है? तो वो जो होता है वो प्लांट होता है, और वो क्या करता है, वो प्लांट के आसपास ग्रो होता है, प्लांट की बॉडी पे ग्रो होता है, और वो एक ऐसे पैरासाइटिक हेल्प होता है। मतलब पैरासाइटिक मतलब क्या, वो हम लोग पहले जानेंगे। पैरासाइटिक मतलब क्या? तो ये जो येलो वायर लाइक जो प्लांट होता है, जो मैंने बोला जमीन पे होता है या फिर प्लांट के बॉडी पे कोई ग्रो होता है, तो येलो वायर लाइक जो होता है वो प्लांट होता है और वो पैरासाइटिक इन नेचर होता है। पैरासाइटिक इन नेचर मतलब आपको पता ही है, लाइक एक बेस्ट एग्जांपल है पैरासाइटिक का मॉस्किटो। वो मॉस्किटो हम लोग को क्या करता है, वो हमारे यहाँ पे हाथ पे वगैरह आता है, बैठता है, हमारे यहाँ से ब्लड सक करता है, तो उससे बेनिफिट किसको होता है? मॉस्किटो को होता है। हम लोग को बेनिफिट कुछ होता है क्या? नहीं। तो वैसे ही सेम रोल प्ले करता है ये येल्लो, जो मैंने बताया येल्लो वायर लाइक जो प्लांट होता है वो क्या करता है, प्लांट के बॉडी पे ग्रो होता है और वो प्लांट का जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पूरा सक कर लेता है खुद, और फिर ये जो हमारे प्लांट को कोई कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट किसको मिलता है? ये येल्लो वायर लाइक, क्योंकि वो सक करता है न्यूट्रिएंट्स, तो दोनों को बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ एक ही प्लांट को, मतलब वो येल्लो वायर लाइक जो प्लांट है उसको बेनिफिट मिलता है। तो इसी इसको बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट। ये होता है पैरासाइटिक प्लांट, हेटरोट्रॉपिक प्लांट भी इसको बोल सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है कसकटा, ये इसका एग्जांपल है पैरासाइटिक प्लांट का। तो अगर जिसमें एब्सेंट होता है क्लोरोफिल, तो कसकटा क्या करता है, वो कम्प्लीटली दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है, होस्ट प्लांट पे, उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो वो होस्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सभी चीज़ के लिए, क्योंकि वो खुद का उनमें क्लोरोफिल नहीं बना सकते, इसलिए क्लोरोफिल एब्सेंट होता है पूरा। तो इसी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट। अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट टर्म देखने वाले हैं, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस उसका नाम ही बता रहा है, मतलब ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स कंज्यूम करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, इसी इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं? तो एक प्लांट है, वो उसका नाम है ड्रोसेरा बुर्मनी। तो वो क्या करता है, वो उसका जो ये ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर एकदम ऐसे फ्लावर लाइक होता है, तो वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, वो पूरा ऐसे ओपन रहता है, तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और फिर वैसे वो इंसेक्ट कोई भी आके यहाँ पे बैठ जाता है बीच में, फिर वो जो प्लांट होता है जो मैंने बताया इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो ऐसे बंद कर लेता है उसको, और उसको वो इंसेक्ट को, इंसेक्ट फिर ट्रैप हो जाता है उसके जाले में, और फिर वो उसको कंज्यूम कर लेता है, और ऐसे वो सर्वाइव करता है खुद के इसके लिए। तो ये हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। उसमें यही लिखा है कि कोई कोई प्लांट्स होते हैं वो फीड करते हैं इंसेक्ट्स को न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स खुद को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो होते हैं सॉइल पे, और वाटर डेफिशिएंट, उसमें वाटर उनके पास वाटर नहीं होता बिल्कुल, और नाइट्रोजन कंपाउंड भी नहीं होते उनके पास, एब्सेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, प्लांट बॉडी ऑफ ड्रोसेरा बुर्मनी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, उसका अपीयरेंस फ्लावर लाइक होता है, और वो एकदम ग्राउंड के एकदम क्लोज वो ग्रो होते हैं, और वो पिंक कलर के होते हैं, पिंक या फिर रेड इन कलर के होते हैं, और उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं मार्जिन में, मतलब आउटसाइड में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें एक स्टिकी सब्सटेंस उसके अंदर, ये जो साइड है बीच में की ये वाली साइड, उसमें स्टिकी सब्सटेंस होता है, और वो हेयर्स उसको अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को कि हम मेरे तरफ आ जा, फिर मैं आपको कंज्यूम कर लूँगा ऐसे। तो साइंटिस्ट जॉन्स बुर्मन, इन्होंने ये प्लांट आइडेंटिफाई किया है श्रीलंका में इन 1737। उन्होंने ये इंसेक्टिवोरस प्लांट ये जो होता है वो उन्होंने डिस्कवर किया है। तो ये हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। अभी हम लोग देखने वाले हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स मतलब क्या, वो हम लोग देखने वाले। तो प्लांट जो होता है वो कौन से प्लांट्स होते हैं वो डेड या फिर डिकेइंग मटेरियल पर जिंदा होते हैं, मतलब खुद को सर्वाइव करते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनको मिलता है, तो इसी प्लांट्स को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंगाई आते हैं, मशरूम्स आते हैं, ईस्ट आता है, और उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। या फिर फंगाई क्या करता है, सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डेड रिमेन्स पे होता है, और डाइजेस्ट करता है और ब्रेक डाउन करता है कार्बन कंपाउंड्स को जो उनको ज़रूरी होता है। लाइक आपको अगर ये फंगा या फिर जो मशरूम वगैरह होता है, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो कैसे होता है, एक फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी रोटी ले लो, उसको गीला करो और उसको रख दो एक दिन,
पूरा एक दिन रख दो, फिर दूसरे दिन देखो उसको ऑब्जर्व करो, तो उसपे एक ऐसे ब्लैकिश कलर का आपको एक सरफेस दिखेगा, तो वही होता है फंगाई, उसको फंगस बोल सकते हैं। तो फंगस ग्रो होता है वो एकदम, हम लोग ने वो चपाती या भाकरी को हम लोग ने थोड़ा डीके किया और फिर या फिर डीके करके उस पर वो ग्रो हो जाता है, तो वो होता है फंगस या फिर फंगाई बोल सकते हैं। तो ये हो गया सेप्रोफाइट्स, वो उस पर डिपेंड होता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। तो अभी फूड जो होता है वो स्पॉइल होता है ड्यू टू सम फंगाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक बताया, फूड स्पॉइल होता है फंगाई के वजह से, और उसकी वजह से डिजीज भी होता है, इलनेस भी होता है, हम लोग को परेशानी होती है उसके वजह से, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो बट कुछ कुछ जो फंगाई होते हैं उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, मतलब हम लोग के लिए वो यूजफुल भी हो सकता है। वैसे ईस्ट और सम मशरूम जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में, मेकिंग ब्रेड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और मशरूम जो होता है वो रिच सोर्स है आयरन एंड विटामिन के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो डू चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक मिलते हैं, और एज आपको पता ही है कि कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है, सो प्लीज़ आपकी आपको ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, सैनिटाइज करें आपके हाथ। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।